72 हो रहे देखने के पास आपके पास केवल एक ही शब्द होगा, कट गया चूहिया। हिंदुत्व मतलब एक और हिंदुत्व, जैसे हिंदुत्व में ट्रेलर में इतना ज्यादा हमें उत्साह दे दिया गया था, इतना एनर्जेटिक बनाया गया ट्रेलर को कि अब जो है लव जिहाद के बारे में अब जो है असलियत दिखाने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, एक प्रोपोगेंडा, वही बात है जो कि आपको 72 बुरे के साथ देखने को मिलती है पोस्टर से ट्रेलर से। और भाई साहब बहुत बड़े बड़े चैनल यहाँ पे प्रमोशन भी कर रहे हैं, इतना घटिया रिव्यू भी दे रहे हैं, तो इससे बताइएगा बहुत बढ़िया बहुत घटिया मूवी है। इसको देख के आपको एक ही लगेगा कि मेकर क्या गांडू, किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो कर लो घर का ना इधर, तो वही बात है किसी एक का तो हो भाई। थोड़े फिल्म में जो है आपको दिखाने की कोशिश करती है सच्चाई के कुछ मौलाना है जो कि उनको जो है ये समझा रहे हैं कि हुरे आपको मिलने वाली है, आप जो है इसके लिए अपने आपको शहीद कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो उसके लिए जो है लोग अपने मरने तक के तैयार हैं क्योंकि उसको उनको जो है सपना दिखाया जाता है, तो ये तो थोड़ा समझ में आता है कुछ दिखा रहे हैं डायरेक्टर। लेकिन वही बात है अपने आप को जो है कुछ अच्छा दिखाने के भी प्रयास करते हैं, मतलब कुछ मुस्लिम है जो कि अच्छा कर रहे हैं, एक मुस्लिम होता है जो कि हिंदुओं को जो है गलत करने में पकड़वा देता है, मतलब ये जो है एक सेकुलरिज्म के नाम पर जो है एक बैलेंस करने का प्रयत्न जो है कर ही रहे थे, ना कि एक पक्ष को नहीं दिखा रहे थे। मतलब वही बात है कि आपको जो है ये भी कहना है कि महाराणा प्रताप तो महान है, लेकिन आपको ये भी कहना है कि अकबर भी महान है। भाई अगर महाराणा प्रताप महान है तो अकबर कैसे महान हो सकता है, आपके लिए अकबर महान है तो आप महाराणा प्रताप को महान होती है एक हो सकता है, लेकिन दोनों को दोनों भी करना है कि महाराणा प्रताप तो महान है लेकिन अकबर भी महान है। उसी प्रकार से जो है पूजो वाली बात है, मौलाना जो भड़काते हैं उनको उत्साहित करते हैं फिर जो भी कहते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ हिंदू भी हरामी है, हिंदू भी जो है ऐसे करते हैं, तो ये डायरेक्टर साहब जो है बैलेंस बनाते बनाते जो है पूरा मूवी को बैलेंस ही डगमगा जाता है, पूरा मूवी धड़ाम से नीचे गिर जाती है क्योंकि आपको इसका फिलोसफी समझ में नहीं आएगा ठीक से, क्योंकि चलो ठीक है एक्ट वगैरह ठीक ठाक किया गया है, लेकिन वही बात है कि ये मूवी वाले जो है कहना क्या चाहते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है रख ही नहीं पाते। जैसे कि द कश्मीर फाइल में डायरेक्टली रखा गया था अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फिलोसॉफी को, जैसे कि द केरला स्टोरी में डायरेक्ट रखा गया था कि लव जिहाद किस तरह से होता है, कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ता है, कैसे ISI में उनको जो है भर्ती किया जाता है, तो इस प्रकार जो है डायरेक्टर जो है अपने पॉइंट पर क्लियर तो नजर नहीं आया क्योंकि हम 72 हुरों नाम तो उन्होंने रख दिया है लेकिन इस पर जो है वो जो है अच्छे से काम नहीं कर पाए हैं, अच्छे से उसको दिखा नहीं पाए हैं। वही बात है कि आपको जो है थिंकिंग जो है आप क्या दिखाना चाहते हो क्लियर होना चाहिए, आप अगर बीच में फंस के रहेंगे कि हमें इधर भी दिखाना है हमें उधर भी दिखाना है ऐसे में गड़बड़ हो जाता है, आप जो है एक पॉइंट पर क्लियर नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से जो डायरेक्टर से यही मिस्टेक हुआ है, तो आप इसके क्या आपने मूवी देखा है, क्योंकि मैं भी भाई जिनको मैं फॉलो करता हूँ या फिर जिनके बारे में मैं सुनता रहता हूँ उनके रिव्यू देखता हूँ उनसे मैंने देखा, तो कई लोग जो है इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, मेरे को लगा अच्छा मूवी होगा भाई देखते हैं, कई लोगों के रिव्यू देखता हूँ बहुत नेगेटिव आया, मेरे को ये कंफ्यूज हो गया भाई अच्छा रिव्यू है मतलब सही कौन रिव्यू कर रहा है गलत कौन रिव्यू कर रहा है। लेकिन वही बात है जब आप खुद देखते हो तो आपका जो ओपिनियन है वो खुद से बनता है, क्योंकि आप किसी का भी रिव्यू देख लो आप किसी के बारे में सुन लो उससे मतलब नहीं है, आपने क्या 72 हुए देखे आप किस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, क्योंकि फिलोसॉफिकल नजरिए से देखें तो मुझे तो लगता है कि डायरेक्टर साहब जो है अपने जो मुद्दा है उसको क्लियर तरीके से दिखाने के दिखा नहीं पाए हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम में बैलेंस करने के नाम उन्होंने जो है फिल्म का जो मेन मुद्दा था उसी को जो एक तरह से गिरा दिया गया है। तो 72 हुरे चलो ठीक है इस्लामिस्ट जो भी उनके बारे में जो कहता है वो दिखाता है, लेकिन वही बात है कि साथ साथ हिंदुओं को भी चपेट लेता है, मतलब आप टॉपिक उठा रहे हो किसी चीज़ का और उसको घसीट के बिना मतलब कुछ और चीज़ को ले आ रहे हैं। वही बात है कि हिंदुत्व में जैसे दिखाया गया था भाई साहब वो जो है उसको विलन की तरह दिखाया गया जो मुस्लिम का कैरेक्टर था, लेकिन बाद में वो जो है सेकुलरिज्म के नाम पर जो हिंदू का कैरेक्टर अपने आप को बलिदान कर देता है मुस्लिम कैरेक्टर भी अच्छा हो जाता है, गंगा जमुना जो तहजीब कहते हैं ना उस पर जो है ये वही वाला बात जो है हमेशा से बॉलीवुड सेकुलरिज्म के नाम पर हमें जो चूना लगाता है जो हमारा काटता है उसी को जो है फॉलो ये भी करते हैं, तो मतलब अपने पॉइंट में जो क्लियर कट होने की हिम्मत जो है डायरेक्टर साहब नहीं दिखा पाए, हम तो यही कहना चाहेंगे भले आप जो भी कहना है कहिए, तो क्या आप 72 हुरे देखिए आपको इसके बारे में क्या लगा ये बताइएगा।